राजस्थान में क्राइम का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इस बढ़ते अपराध को रोकने में कहीं पुलिस सफल हो रही है तो कहीं पुलिस को अपराध ही की भनक तक नहीं है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के पास से पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। दरअसल सरहदी क्षेत्र में ओम प्रकाश बिश्नोई नामक एक शख्स बाहरी क्षेत्रों से लाकर अंतर्राष्ट्रीय सरहद के पास वाले इलाके में हथियारों की खरीद फरोख्त में लगा हुआ था। जब पुलिस को इसकी भनक लगी तो आरोपी के पीछे मुखबिर लगा दिया और उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी बिश्नोई हथियारों की एक खेप अपने घर में छुपाए हुए हैं, तो सेडवा एसएचओ जेठराम ने अपनी टीम के साथ घर पर दबिश दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 3 पिस्टल, मैगजीन और बड़ी तादाद में जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। कल मुखबिर की सूचना के आधार पर पेपली मेरी पामड़दा में ओम प्रकाश और बाबूलाल बिश्नोई के घर पर दबिश देकर ओम प्रकाश को हत्या करके उसके कब्जे से 3 पिस्टल, 4 मैगजीन और 13 जिंदा कारतूस बरामद करके आर्म्स एक्ट का प्रकरण दर्ज किया है और अनुसंधान किया जा रहा है। बाड़मेर पुलिस जहां मुस्तैदी से काम करती दिखी तो वहीं जैसलमेर पुलिस घोड़े बेचकर सोती हुई नजर आ रही है। अवैध माइनिंग की तस्वीरें जैसलमेर की है। यहां इन दिनों अवैध खनन का धंधा धड़ल्ले से जारी है। जैसलमेर के पास ही स्थित मूल सागर गांव में मेन रोड के पास ही खनन माफिया पीले पत्थरों का अवैध खनन धड़ल्ले से कर रही है। बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर कीमती पीले पत्थर निकाले जा रहे हैं और सरकार को रेवेन्यू का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन विभाग के अधिकारी कार्रवाई के नाम पर केवल घूम कर लौट आते हैं और जवाब देते हैं कि हम जब गए तब वहां अवैध खनन नहीं हो रहा था। खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो दिन में ही खुलेआम बरसाती नाले के अंदर अवैध खनन कर रहे हैं, लेकिन मजाल है कि एक भी अधिकारी उन पर कार्रवाई करने की सोच भी ले। खैर, मूल सागर में जगह जगह पीले पत्थरों के अवैध खनन का अवैध धंधा जोरों पर है। मूल सागर अवैध खनन का सबसे बड़ा हब बन गया है। अवैध खनन के समय सरपंच मूल सागर लिखी बाइक मौके पर खड़ी होने से ये संकेत मिलता है कि इन खनन माफियाओं में कहीं ना कहीं सरपंच का भी हाथ शामिल है। अवैध खनन की सूचना के बावजूद भी कार्रवाई नहीं करने से माइनिंग विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले खनन माफिया रात के अंधेरे में अवैध खनन का काम करते थे, लेकिन अब इनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि ये दिन में ही बड़ी बड़ी मशीनों के साथ अवैध खनन करते हैं। मुख्य सड़क से सभी का गुजरना होता है, लेकिन विभाग के अधिकारी तो दूर, पुलिस और प्रशासन भी इनकी तरफ नजर नहीं डाल रहा है। बहरहाल देखना ये होगा कि अवैध खनन का ये काला कारोबार कब तक यूं ही पनपता रहेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए बाड़मेर से दुर्ग सिंह राजपुरोहित के साथ जैसलमेर से गणपत दैया की रिपोर्ट।